दौड़े विजय माल्या का लंदन में बड़ा बयान। माल्या बोला, लंदन आने से पहले जेटली से मिला था। माल्या बोला, जेटली को लंदन के बारे में बताया था। जेटली की सफाई, नहीं हुई माल्या से औपचारिक मुलाकात। जेटली बोले, संसद में चलते फिरते माल्या ने की थी बात। माल्या के खुलासे पर विपक्ष का हल्ला बोल। राहुल गांधी ने की जेटली के इस्तीफे की मांग। माल्या के खुलासे से मुश्किल में सरकार। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। बैंकों का 9000 करोड़ लेकर भागे विजय माल्या के बयान से बढ़ी सरकार की मुश्किल। माल्या ने लंदन में कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, वित्त मंत्री अरुण जेटली को संसद में लंदन जाने की बात बताई थी। अरुण जेटली ने माल्या के दावे को झूठा बताया, कहा संसद से निकलते वक्त माल्या ने की थी बात की कोशिश पर मिलने का वक्त नहीं दिया। I happened to meet Mr. Jetley in Parliament and I told him that I was leaving for London and that I want to settle with the banks and would he please facilitate discussions. I did not have any formal meeting scheduled with him. I met him often enough in Parliament, in the House and in Central Hall, and I have expressed to him my willingness to settle on many an occasion. विजय माल्या का ये बयान कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कोई सेटलमेंट का प्रस्तावना की, ये बिल्कुल असत्य है। मैंने कभी अपने ऑफिस में, अपने घर पे कभी उनको कभी टाइम नहीं दिया, जब से हम लोग सरकार में हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे और कभी कभी आया करते थे। तो एक दिन ये देखकर कि मैं वहां बैठा हूं और उठ के अपने कमरे की तरफ जा रहा था हाउस से, तो भागते भागते मेरी तरफ आए और कुछ शब्द कहने लगे कि मैंने कुछ सेटलमेंट की प्रस्तावना की है, तो मैंने उनको कॉन्वर्सेशन एंटरटेन करने का अवसर भी नहीं दिया और केवल ये कहा कि आप जो कहना है बैंकर्स को कहिए, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी थी कि वो इस तरह के ब्लफ पहले भी करते रहे हैं और वापस पैसा करना ये उनकी कभी भी नियत नहीं थी। माल्या के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का सरकार पर हमला, का माल्या के आरोप बेहद गंभीर, तत्काल हो स्वतंत्र जांच, जेटली दें इस्तीफा। अरुण जेटली का बयान सामने आने के बाद माल्या ने कहा कि औपचारिक रूप से वित्त मंत्री से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बयान, कहा संसद के सेंट्रल हॉल में अरुण जेटली को विजय माल्या से चर्चा करते हुए देखा था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी माल्या के दावे की जांच की मांग की है। स्वामी ने कहा कि पीएम को इसकी जांच करानी चाहिए। जब ये गए विजय माल्या, उससे दो दिन पहले सेंट्रल हॉल में मैंने देखा कि अरुण जेटली जी से बहुत अलग से गंभीर वार्ता कर रहे, और आज उन्होंने स्वीकार किया कि मैं वित्त मंत्री से मिला था और उनसे कहा था कि मैं सेटल करना चाहता हूँ, और इन्होंने राय दी कि अब चले जाओ यहाँ से, हिंदुस्तान से, वरना जांच एजेंसी आपके पीछे पड़ी है, कार्रवाई करेगी। आपके चैनल एबीपी न्यूज पर खुद को बेगुनाह बताने के मेहुल चौकसी के दावे पर बोली सरकार, खूनी कोर्ट में नहीं करता कि हमने खून किया है। मेहुल चौकसी भगोड़ा हीरा कारोबारी है। फिर बड़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए और डीजल 73 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। मुंबई में तेल के दामों ने तोड़ी जनता की कमर। मुंबई में पेट्रोल 88 रुपए 39 पैसे, डीजल 77 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हुआ। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों में राहत के आसार नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, उत्पाद शुल्क में कटौती से बढ़ेगी समस्या। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम और डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत को लेकर हरकत में सरकार। पीएम मोदी ने शनिवार को बुलाई अहम बैठक। और नमो ऐप के जरिए बीजेपी के यूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। गाजियाबाद, नवादा, हजारीबाग के कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। जम्मू कश्मीर के सोपोर के तालियान इलाके में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से किया हमला। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। जम्मू के झज्जर कोटली इलाके में आतंकियों की कायराना करतूत। ट्रक में बैठकर पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की।
जम्मू के झज्जर कोटी में ट्रक पर सवार होकर फायरिंग करने वाले आतंकियों की तलाश, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जम्मू में संदिग्ध आतंकियों की गोलीबारी के बाद हाई अलर्ट, कई संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू में आतंकी फायरिंग के बाद डोडा में भी सुरक्षा बढ़ाई गई, हाईवे पर वाहनों की चेकिंग हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट पर सवाल, रिपोर्ट में कहा बीजेपी की जीत के बाद भारत में बढ़ा नक्सलवाद। बिहार में अब भीड़ का शिकार बने पुलिस वाले, सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर सरकार, नीतीश कुमार ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। किसानों के हित में मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, किसानों से अनाज खरीदने की नीति को कैबिनेट की मंजूरी, एमएसपी से कम दाम मिलने पर नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा आंदोलन चलाएगी मोदी सरकार, पीएम मोदी ने देशवासियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। सहारनपुर में गन्ना किसानों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अजीबोगरीब बयान, कहा गन्ने की फसल कम करें किसान, शुगर से बीमार हो रहे हैं लोग। योगी के बयान पर गन्ना किसानों ने जताया एतराज, किसान बोले मुख्यमंत्री का ऐसा बयान नासमझी से भरा है। बनारस पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने विधायक विजय मिश्र से जान का खतरा बताया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को याद आए राम, कमलनाथ ने कहा अगर सत्ता बनी तो राम पथ बनाएंगे। एमपी के बुरहानपुर की जनसभा में मराठी वोटरों को लुभाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मराठी में दिया भाषण। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, बाबा को सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। रायपुर में कांग्रेस के नेता बैलगाड़ी में सवार होकर छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे, महंगे पेट्रोल और डीजल की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। राज्यपाल के पास टीडीपी और कांग्रेस एक साथ गए, इसलिए साउथ में 2019 के लिए दोनों पार्टियों के गठबंधन के प्रयास लग रहे हैं। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद में तोड़ा अनशन, कल 19वां दिन था। गैर इरादतन हत्या के केस में नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट फैसले पर दोबारा विचार करने को तैयार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तस्करी कर रहे जा रही 45 गायों को छुड़ाया। यूपी की मुरादाबाद में सरेआम शराब पीते सिपाहियों का वीडियो वायरल, वीडियो सामने आने के बाद सिपाही सस्पेंड। एप्पल फोन के दीवानों के लिए अच्छी खबर, कंपनी ने लॉन्च किए 3 नए आईफोन, आईफोन एक्सएस, आईफोन एक्सएस मैक्स और आईफोन एक्सआर। आईफोन एक्सएस की कीमत 99,900 रुपए होगी, आईफोन एक्सएस मैक्स की कीमत 1,09,900 होगी। कल से शुरू होगी फोन की बुकिंग। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।